हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर 13 दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, किसके अराउंड डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, बार मैग्नेट के अराउंड। बार मैग्नेट के अराउंड पैटर्न कैसा था, कुछ ये नॉर्थ पोल इधर था, साउथ इधर, तो फील्ड लाइंस कुछ यूं थी। हम लोगों ने इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इनके डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ हो गया आउटसाइड द मैग्नेट, साउथ से नॉर्थ होगी इनसाइड द मैग्नेट। और हम लोगों ने ये भी देखा था बेटा चैप्टर के स्टार्टिंग में, जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो मैग्नेटिज्म है ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अब हम लोग करेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का पैटर्न। पैटर्न होगा किसके अराउंड करेंगे, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। क्योंकि जब कंडक्टर है स्ट्रेट, उसमें से जब करंट फ्लो करेगा तो उसके अराउंड पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी। अब उनकी डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल यूज करेंगे, पैटर्न कैसा होगा, वो चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले क्या था बेटा, एक कार्डबोर्ड शीट थी, हम लोगों ने कार्डबोर्ड शीट में से एक वायर को पास किया, स्ट्रेट वायर पास की। इस वायर को बेटा एक बैटरी के हेल्प से कनेक्ट कर दिया गया, स्विच, यहाँ पे आयरन फिलिंग्स लगा दी बेटा, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। क्या हुआ बेटा, जब हम लोगों ने स्विच ऑन किया, करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा बेटा, जो ये आयरन फिलिंग्स थी ये एक पैटर्न में अरेंज होनी शुरू हुई। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से था, जैसे वायर ये हुआ बेटा करंट, ये पैटर्न कुछ इस तरह। तो यहां से पता चला बेटा कि जो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है वो कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का होगा। जैसे यहां ये पैटर्न था और यहाँ पैटर्न होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का। अब हम लोगों के पास फील्ड लाइंस का पैटर्न आया है, अब इनकी डायरेक्शन के लिए बेटा कि फील्ड लाइन जो होंगी इनकी डायरेक्शन किधर होगी, उसके लिए हम लोग जो रूल यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है बेटा राइट हैंड थंब रूल, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा राइट हैंड थंब। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, हम लोग सपोज करते हैं कि जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको हम लोगों ने होल्ड किया हुआ है राइट हैंड में, और इस तरीके से होल्ड किया हुआ बेटा कि जो हमारा थंब है, थंब होगा बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो हमारी फिंगर्स होंगी बेटा, जिस भी डायरेक्शन में कर्ल होंगी बेटा वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की। डायरेक्शन के लिए जो रूल है बेटा वो कौन सा है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में क्या है बेटा, हम लोग सपोज करते हैं कि हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है हम लोगों ने राइट हैंड में होल्ड किया हुआ है, किस तरीके से होगा कि जो थंब है बेटा वो डायरेक्शन देगा डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो हमारी फिंगर्स हैं बेटा, जो फिंगर्स हैं वो जिस भी डायरेक्शन में कर्ल होंगी वो डायरेक्शन होगी बेटा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सपोज करो बेटा कि जैसे ये पेन है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, सपोज करते हैं कि करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसको मैंने राइट हैंड में होल्ड किया, थंब मेरा जो होगा बेटा वो डायरेक्शन ऑफ करंट में होगा, करंट उधर हुई। अब जो फिंगर्स हैं ये जो टिप हैं बेटा, ये जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी बेटा वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब जैसे अगर हम लोग यहाँ लगाना चाहें तो ये फील्ड लाइंस कुछ अंदर की तरफ होंगी, तो पैटर्न कुछ ये हो जाएगा बेटा, इनके डायरेक्शन तो ये पैटर्न ये रहा और डायरेक्शन ये हो जाएंगे बेटा अनसाइड। अगर हम लोग यहाँ बेटा डायरेक्शन चेंज कर दें करंट की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है बेटा ये भी चेंज हो जाएंगी। जैसे अब थंब डाउनवर्ड में आ जाएगा तो फिंगर्स कुछ बाहर की तरफ हो जाएंगे बेटा, ये पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद बेटा जो ये फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे पहले जो फैक्टर आता है बेटा, जैसे ये पैटर्न है, ये वायर करंट फ्लो कर रहा है, पैटर्न आया बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। सबसे पहला फैक्टर जो फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ आती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के।
जैसे जैसे मैं करंट बढ़ाऊंगा बेटा, जो फिल लाइंस का नंबर है वो बढ़ता जाएगा। सेकंड बेटा, किसी भी पॉइंट पे, जैसे एक पॉइंट ये है बेटा, एक पॉइंट ये है, ये पी और क्यू, ये डिस्टेंस आर वन, वो डिस्टेंस आर टू। अगर हम लोग दोनों में बेटा कंपेयर करें कि फील्ड लाइंस कहाँ स्ट्रांग हो गए, जो इफेक्ट होगा वो पी पे ज़्यादा होगा या क्यू पे, तो वो पी पे ज़्यादा होगा बेटा। क्यों होगा? क्योंकि जो बी है बेटा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बी क्या है बेटा? ये है फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बेटा। अब जैसे हम लोगों ने स्ट्रेट वायर के बारे में डिस्कस किया है बेटा, सेम हम लोग डिस्कस करते हैं सर्कुलर कॉइल के अराउंड। सर्कुलर कॉइल बोलो बेटा, सर्कुलर लूप बोलते हैं उनके अराउंड। यहाँ कुछ नहीं करें बेटा, वो सिर्फ स्ट्रेट वायर का जो था उसमें सिर्फ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन थी। कार्डबोर्ड शीट एज इट इज रहा बेटा, वायर को हम लोगों ने स्ट्रेट पास किया। अब इसी वायर को बेटा कर्ल करते हुए वापस ले गए, तो ये कर्व शेप में आ जाएगा बेटा, ये ऊपर की तरफ, यहाँ से करंट डाउनवर्ड में, अगर हम लोग यहाँ इसको बैटरी से अटैच करते हैं बेटा। तुम लोग बेटा इसको इस तरीके से बना सकते हैं, अगर हम लोग बनाना चाहें इसको तो कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये करंट की डायरेक्शन शो कर सकते हैं बेटा हम लोग, कि एक तरफ से करंट जा रहा है और एक तरफ से बाहर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ भी इसके अराउंड जो सेम होगा, इसको यहाँ ऐसे भी ड्रॉ करके दिखा सकते हैं बेटा। इसमें यहाँ भी हो, यहाँ भी कर सकते हैं, कार्डबोर्ड शीट को इस तरीके से कर दिया, ये पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ करंट जो जाएगा बेटा वो ऊपर की तरफ होगा, तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन आ जाएगी बेटा इधर। यहाँ जो होगा बेटा वो इधर होगा, तो डायरेक्शन क्या है बेटा, चेंज हो जाएगी, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। सेम हम लोग यहाँ ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। जैसे अब इसमें ऊपर की तरफ करंट जा रहा है बेटा, तो फील्ड लाइंस डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएंगे, ये डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएंगे बेटा। यहाँ भी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी बेटा? जो बी है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, डिस्टेंस के और नंबर के। एन जो है बेटा वो नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाएंगे बेटा, तो जो फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी बेटा। स्ट्रेट वायर और सर्कुलर लूप में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक है कि वायर को हम लोगों ने यहाँ से कार्डबोर्ड शीट स्ट्रेट पास किया तो उसके अकॉर्डिंग आई। अब सर्कुलर कॉइल में इसी वायर का हम लोगों ने लूप बनाते हैं और वो कुछ इस तरीके से पास हो गया। नेक्स्ट है बेटा हमारा इंपॉर्टेंट जो आता है वो है सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या है बेटा? सोलेनोइड एक कॉइल है, इसके बेटा ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, रैप क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की शेप में होगी बेटा ये कॉइल, कुछ इस तरीके से होती है। अब इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होगा बेटा। जैसे हम लोग इसमें स्विच ऑन करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो वो प्रोड्यूस होती है बेटा, उसका पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ ये पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ क्वेश्चन आता है बेटा, जो करंट कैरिंग सोलेनोइड है वो किसकी तरह बिहेव करती है बेटा? जो करंट कैरिंग सोलेनोइड है बेटा वो बिहेव करती है, बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करती है बेटा? क्योंकि जो पैटर्न होगा किसका बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो सेम है बेटा एज दैट ऑफ ए बार मैग्नेट। अगर हम लोग इसके बराबर में बेटा बार मैग्नेट को बना के दिखाना चाहें, इसको साउथ ले लो चाहे नॉर्थ ले लो, कोई भी पोल ले लो बेटा, तो पैटर्न तो सेम रहा बेटा। यहाँ डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होगी। अगर हम लोग डायरेक्शन को देखें तो यहाँ भी डायरेक्शन ये कुछ इस तरीके से होगी बेटा, ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ। अब इनके पोल्स को देखने के लिए हम लोग बेटा क्लॉक रूल यूज करते हैं। क्लॉक रूल बोलो बेटा, फेस रूल बोलते हैं। जैसे हम लोग कोयल को ड्रॉ करते हैं बेटा, ये करंट कुछ इस तरीके से,
फर्स्ट कॉइल सेकंड जो टर्न होंगे बेटा, तो जो फर्स्ट कॉइल जो है बेटा उसमें जो करंट जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज में जाता है बेटा, ये क्लॉकवाइज में जाएगा तो साउथ होगा बेटा, और एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा बेटा तो नॉर्थ हो जाएगा। क्लॉक रूल में क्या है बेटा, अगर करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो जो वो एंड होता है बेटा वो होगा साउथ पोल, क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉक में बेटा नॉर्थ पोल। तो हम लोग इस रूल की हेल्प से भी बेटा क्या है, मैं जो ये पैटर्न होगा इसमें डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं कि नॉर्थ पोल ये होगा साउथ ये होगा। जैसे हम लोगों ने ड्रॉ किया था इसको, ये एज इट इज, ये गई बेटा फर्स्ट टर्न, तो फर्स्ट टर्न में जो करंट है वो क्लॉकवाइज में है तो ये साउथ पोल होगा बेटा, तो अपोजिट एंड जो होगा वो हमेशा क्या होगा नॉर्थ पोल होगा। अगर हम लोग यहाँ मैग्नेट की हेल्प से भी करना चाहें बेटा तो मैग्नेट की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को क्लॉक रूल के बारे में नहीं पता कि क्लॉक रूल है या नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, जैसे ये कॉइल है, बैटरी स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा बेटा तो फील्ड लाइंस जनरेट होगी, फील्ड लाइंस का पैटर्न आ गया हम लोगों के पास। लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता बेटा कि नॉर्थ पोल ये है या ये है, तो हम लोग एक बार मैग्नेट यूज़ करते हैं। जैसे बार मैग्नेट लिखा है स्ट्रॉन्ग, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, बार मैग्नेट के पोल्स तो हम लोगों को पता है। अब बेटा जो ये इस एंड को अगर हम लोग इसके पास लेके जाते हैं, इस एंड में और इस एंड में अगर अट्रैक्शन होती है, अगर यहाँ अट्रैक्शन होगी तो ये साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ। अगर इस एंड में बेटा रिपल्शन होती है तो ये नॉर्थ हो जाएगा बेटा और ये साउथ हो जाएगा। बेटा जो तीन हम लोगों ने किए हैं, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर लूप और सोलेनोइड, ये तीनों इंपॉर्टेंट है बेटा। तीनों में हम लोगों को डायरेक्शन आनी चाहिए कि जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा और फील्ड लाइंस की किस तरीके से मूव करेंगी, और इन तीनों में बेटा इंपॉर्टेंट आता है सोलेनोइड। अगर इन टॉपिक से रिलेटेड बेटा कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।